3 दिसंबर की रात को ऑल ऑफ ए सडन शाम को 6:45 बजे हवाई जहाज से और इन्फेंट्री जो उनकी जो फौज थी वो पैदल सेना और हवाई जहाज से एकदम अटैक शुरू हो गया। पाकिस्तानियों ने पॉट शॉट लेके आरसीएल गन से दोनों टैंक उड़ा दिए। व्हेन आई केम इनटू सेंसेस द नेक्स्ट डे आई फाउंड दैट आई एम नॉट इन माय ओन टेरिटरी। मेरी पलटन ने मेरा बिस्तरा गांव भेज दिया और उसमें लिख दिया कि आपके सन ने बहुत अच्छी बहादुरी दिखाई, ही इज मिसिंग बिलीव किल्ड। मेरे फादर और मेरी माँ ने वो बात नहीं मानी और मेरी माँ ने यहाँ तक कहा कि मेरा अगर बेटा काम भी आ गया देश के, मैं मेरे बाकी 5 बच्चों को भी भेजूंगी। नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन गंगाराम चौधरी है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूं जहां मेरा जन्म 1950 में हुआ था। जब मैं स्कूल जाने लायक था तब तक हमारे गांव के अंदर कोई स्कूल नहीं थी। सदियों से वहां पर अकाल, अभाव और अशिक्षाई थी। उसी साल में 1964-65 के अंदर अकाल राजस्थान में पड़ गया। बहुत गरीबी थी और उस अकाल के अंदर कोई भी आमदनी का साधन नहीं था। तो 10वीं जब मैंने पास कर ली तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी को काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ रही है मेरे फीस के, ड्रेसेस के और बुक्स वगैरह के लिए। उन्हीं दिनों में नेवी की भर्ती के लिए, बॉयज़ की भर्ती के लिए एक वहाँ पर कैंप लगा हुआ था और हम रिक्रूटमेंट सेंटर अपने दोस्तों के साथ मैं भी वैसे चला गया। वहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स और जीके का टेस्ट हुआ। एज लक वुड हैव इट आई पास्ड इट। अपने पिताजी के पास गया, माता पिता से जब मैंने बताया कि मेरा ऐसे ऐसे नौकरी लग गई है और मैं नेवी में जाना चाहता हूँ बॉयज़ के अंदर, तो उन्होंने बोला मुझे कि तू तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तो और तू पढ़ाई में ठीक है और आपके टीचर्स भी कहते हैं कि आप अच्छे हैं। तो मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं सोचता हूँ कि अब मेरी थोड़ी सी मैं जाऊँ तो थोड़ा आपको सपोर्ट करूँगा और थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मुझे समझ में आने लग गया था कि आजकल वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, इनके पास वो पैसे नहीं है जिससे कि मुझे आगे पढ़ा सकें। उन्होंने मुझे रिलक्टेंटली परमिशन दे दी, लेकिन मुझे कहा बेटा कि आप हमेशा सीखते रहना और संयम रखना। ये दो सीख दे के मुझे पिताजी ने विदा कर दिया। मैं आ गया जोधपुर और 7-8 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे, जो रिक्रूटमेंट सेंटर वाले थे, हम तीनों को जो मेरे दो साथी थे वहाँ से रवाना कर दिया। विशाखापट्टनम में मैंने ज्वाइन किया और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, सितंबर का महीना था 65 का, और जाते ही जब पता लगा तो 2-3 दिन के अंदर ही हमको थोड़ा सा सावधान विश्राम और परेड वगैरह कराई और कुछ एजुकेशन के बारे में और नेवी के बारे में बताया और फिर दिन के अंदर वो हमको रेंज पे ले जाके 303 फायरिंग की ट्रेनिंग कराई, क्योंकि पाकिस्तान ने 65 का अटैक कर रखा था इधर वेस्टर्न बॉर्डर पे और ईस्टर्न साइड पे इतना कोई खतरा नहीं था, लेकिन समुद्र जो है वो बंगाल की खाड़ी में ईस्ट पाकिस्तान था उन दिनों में और हम लोगों को दिन में वहाँ पर फायरिंग की प्रैक्टिस करवाते थे रेंज पे और रात के अंदर जो बाकी वहाँ के नेवल जो ऑफिसर्स और जो नेवल सेलर्स थे उनके साथ में मोर्चा लगा के हम रात भर वहाँ। तो इट वॉज ट्रायल बाय फायर फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। After that, our training was over and we were sent to Jamnagar for training. I went for a bit of leave. और जामनगर में मुझे सबसे बेस्ट उन दिनों के अंदर जो ट्रेड हो रहा था, रेडियो और रडार मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिकल रेटिंग आई वॉज गिवन। वी यूज टू डू दोज ड्यूटीज एंड विद इन अबाउट एन ईयर अगेन आई वॉज लकी दैट द INS Tir, विच ट्रेन्स द नेवल कैडेट्स, officer cadets, I was posted to that ship. When I went to INS Tir, INS Tir was in Bombay Harbour and in a couple of months this ship sailed for Singapore and Malaysia on a tour which was arranged by the navies of both the governments. While we were going in the sea, at some point in the sea became very rough. एंड जो ये कैडेट्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे, ये लोग बोट्स के अंदर जाते, इनकी ट्रेनिंग जैसे होती है वैसे ट्रेनिंग होती थी जिसके अंदर ये ऑफिसर्स बनते थे, तो इनको बहुत ही रफ सी में भेज देंगे, देन दे विल गो इन द बोट्स, देन दे विल डू वॉट एवर दे हैव टू डू, माइन स्वीपिंग और वॉट एवर इट इज़। उसी दौरान में वो जो रडार था
जिसका मैं आई वॉज सपोज टू बी यू नो मास्टर ऑफ रिपेयरिंग दिस. सो माई सीनियर सेड कि बेटा ये रडार तो खराब हो गया और नीचे सब चेक कर दिया, ठीक नहीं हो रहा है, यू हैव टू गो ऑन द मास्ट. सो सी ऑल्सो वॉचिंग फ्रॉम द टॉप डेक. आई वेंट ऑन द मास्ट और उसमें कुछ जो लूज वायरिंग हो गई थी एंड सी वॉज सो रफ, इट वॉज अबाउट 40 to 45 डिग्रीज लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन. हाउएवर आई वेंट, गॉट दैट थिंग रिपेयर्ड, केम डाउन एंड माई ऑफिसर अप्रिशिएटेड मी एंड टुक मी टू द डेक ऑल्सो बिकॉज द सी ओ कॉल्ड दैट फॉलो हु इज दिस हु इज. देन ही सेड सर ही इज अ कमीशन वर्थ कैंडिडेट, ही इज वेरी गुड एंड दिस गाय इज डूइंग वेरी वेल सर. बोला आई हैव सीन दैट यू कीप एनकरेजिंग हिम एंड आई वॉज अप्रिशिएटेड बाई द सी ओ कमांडर ऋषि एंड ऑल द ऑफिसर्स एंड दैट इज हाउ देन दे केप्ट ऑन गाइडिंग मी. एंड वन ऑफ द ऑफिसर वन दे सेड दैट यू हैव ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ मेकिंग एन ऑफिसर, बट नेवी के अंदर जब तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री और ऐसा ही नहीं होती तब तक आपको इट विल टेक ईयर्स, बट इफ यू वॉन्ट टू रियली बिकम एन ऑफिसर एज ए दिस थिंग ओनली तो आप 12th पास कर लीजिए. मैंने अप्लाई किया विद परमिशन फ्रॉम माई सी ओ एंड आई वेंट टू भोपाल. मैं अपना वापस अपनी शिप में आ गया, शिप में आ गया, महीने भर बाद में मेरा रिजल्ट आ गया, आई पास्ड. एंड व्हेन आई टोल्ड माई ऑफिसर्स दैट दिस माई रिजल्ट हैज कम, सो ही केप्ट ऑन एनकरेजिंग मी. एंड उसके बाद में आई अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर द एस एस बी. प्रिलिम्स मेरे बॉम्बे में ही हुए एंड आई पास्ड. देर वर अबाउट 90 स्टूडेंट्स हु वेंट फॉर देयर, ओनली 2 ऑफ देम पास्ड, आई वॉज वन ऑफ देम. अबाउट मंथ एंड अ हाफ आई वॉज कॉल्ड फॉर एस एस बी एंड आई वेंट टू मेरठ. देर ऑल्सो आई पास्ड स्ट्रेट वे. आई जस्ट वेंट एंड वी हैड ऑल दी यू नो वॉट एवर दैट इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन एंड ऑब्स्टेकल कोर्स एंड दैट टॉल रोप वेर यू जम्प टाजन जम्प एंड एवरीथिंग. आई पास्ड इन एवरीथिंग एंड आई वॉज सेलेक्टेड. आई केम बैक, माई सी ओ वॉज वेरी हैप्पी, दे ऑल यू नो एनकरेज मी. एंड फॉर द नेक्स्ट 3 months वेन आई स्टेड देयर एज अ नेवल रेटिंग, बट आई ऑलवेज गॉट लॉट्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड हेल्प फ्रॉम माई ऑफिसर्स एंड ऑल माई कलीग्स. आफ्टर दैट आई वेंट फॉर माई ट्रेनिंग टू ओ टी एस. वेन आई जॉइंट देयर आर ट्रेनिंग स्टार्टेड एंड द फर्स्ट 6 months when that terminal exam took place, I was among the top 5. After about a month and a half, the training in the second session when it was going in second term, while I was doing the drill on parade only, I fell down. When I fell down, the instructor knew that he is one of the best, how can he fall down? But somehow because I was not in senses, mere ko hospital, military hospital Madras le jaya gaya. Wahan le gaye, unhone check kiya. और एक दो दिन की चेकिंग के बाद में ये निकला कि मुझे मेरा जो लेफ्ट फेफड़ा है उसके अंदर 1.25 लीटर्स पानी भर चुका है, प्लूरल एफिसन प्लूरेसी मुझे हो गई थी. एंड डॉक्टर सेड कि ये कैसे सर्वाइव कर रहा था, आप लोग इसको नहीं लाते तो कॉन्क ऑफ हो जाता. बट आई वॉज डूइंग नॉर्मल ऑल थिंग, समटाइम्स यू नो माई लेफ्ट साइड यूज टू पेन. सो लाइक आई वॉज बिसेट विद दैट जॉइंटस दैट टाइम, हेयर आई डेवलप्ड दिस थिंग. However, I missed that batch. I went to hospital. I was cured, but I went to the next batch, passed out with that, and I was in the top 7 in merit when I passed out, and I got Gorkha Rifles. So I went and got commissioned in Gorkha Rifles, 39 GR, and 1971 August we passed out. September I joined my unit, and within about a month we were moved to the front area along with my unit. That is Madhopur Bridge, JNK, Shakargad, Pakistan side, and our side, Pathankot, Narot, Kathua. And the war was just about to start. Already we were preparing defenses, and we were, you know, stationed there right on the border. In the night, we will go to the border right there, and we'll just keep on doing our patrolling, and, you know, वहाँ हमने मोर्चा अपना बना लिया. 3 दिसंबर की रात को ऑल ऑफ ए सडन शाम को 6:45 बजे हवाई जहाज से और इन्फेंट्री जो उनकी जो फौज थी वो पैदल सेना और हवाई जहाज से एकदम अटैक शुरू हो गया. और पठानकोट एयरपोर्ट और हमारी जो बटालियन लोकेशन थी, मेरी जो प्लेटून लोकेशन थी, वहाँ भी उन्होंने गोले गिराए. तो कोई नुकसान नहीं हुआ बिकॉज हम लोग मोर्चे में थे, बहुत ही
एकदम सुदृढ़ तरीके से थे, लेकिन एक दो गायों को और एक दो जो गांव के कुछ जो लोग थे वहाँ कुछ नुकसान हुआ, लेकिन हम लोग ऑलरेडी वॉर हैड स्टार्टेड, पाकिस्तान हैड अटैक्ड इंडिया बाय लैंड एंड बाय एयर। दो तीन दिन तक हमारी जो प्रिपरेशन हुई, फिर सीओ साहब को और हमारे को ऑर्डर मिला, हमने पाकिस्तान के अंदर क्रॉस कर लिया। पाकिस्तान में क्रॉस किया और 10-11 तारीख तक हमने उनकी सामने जो चौकियाँ थी उन सबको कब्जे में कर लिया, जो भी उनके थे उनको हमने यू नो वी मॉब्ड अप दोज एंड दोज गाइज केप्ट ऑन विड्रॉइंग, वी केप्ट ऑन अटैकिंग एंड वॉट एवर रेजिस्टेंस वॉज देयर वी ओवरकेम इट। ऑन 11th नाइट वी अटैक्ड वन विलेज विच वॉज फोर्टिफाइड एंड देयर दे वर डिफेंडिंग इट, शाहपुर। आई वॉज अ लीडिंग प्लेटून कमांडर बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट सेकेंड लेफ्टिनेंट एंड वी कैप्चर्ड दैट ऑल्सो। ऑन 12-13 अगेन देर वॉज अ नाइट अटैक ऑन अ विलेज कॉल्ड भट्टी, भट्टी गाँव शकरगढ़ और हमारी जो साइड है ईस्टर्न साइड, ऑल्डो इट वॉज इन पाकिस्तान अबाउट 15-20 किलोमीटर्स, उसके बीच में जो बै नदी है उसके ईस्टर्न किनारे पर थी, उसको हमने रात को कैप्चर कर लिया। वहाँ पर भी जो मॉपिंग अप ऑपरेशन था और जो उनकी जो जो पोजिशंस थी उनको डिफेंसिव पोजिशंस को हमने टेक ओवर करके और उसको, तो अब हमने ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान हमने वो कब्जा कर लिया। दो एक दिन ऐसे ही हुए और 15 की सुबह वहाँ पर हमारे ब्रिगेड कमांडर और तीनों सीओ, 3rd 9GR, 14 राजरिफ एंड 9 मराठा लाइट इन्फेंट्री, ये सीओज और एक जो टैंक कमांडर थे मेजर साहब, वो और ब्रिगेड कमांडर वहाँ मैंगो ग्रोव में खड़े हैं और थोड़ी देर बाद में उन्होंने उनके तोप के गोले आ रहे थे। सुबह का 10:30 बजा था और हम लोग अपनी पोजीशंस के अंदर इस हिसाब से थे कि गोला अगर ऊपर से कहीं दूसरी जगह फटे तो हम लोग अपने मोर्चे में रहें। देखा वो दो टैंक हमारे उन्होंने भेज दिए, जो जब टैंक बे नदी में अबाउट आधा किलोमीटर भेजा तो उन टैंक्स के ऊपर पाकिस्तानियों ने पॉट शॉट लेके आरसीएल गन से दोनों टैंक उड़ा दिए। जब दोनों टैंक उड़ा दिए और उस साइड में पाकिस्तानी थे और हम लोगों का जो यहाँ पर फायर था उससे हम इन्फेंट्री से उसको बचा नहीं सकते थे, और दूसरे हमारे टैंक्स थे लेकिन दे कुड नॉट हैव बीन एक्सपोज्ड। सो उन दोनों टैंक्स के क्रू को लाने के लिए जब सीओज को बोला तो हमारी वहाँ पर यूनिट थी, तो बोला नहीं नहीं माई ऑफिसर विल गो एंड गेट इट। सो माई सीओ कॉल्ड मी एंड टोल्ड बेटा गो एंड गेट दोज। सो अबाउट हाफ ए किलोमीटर आई वेंट ऑन दोज ट्रैक्स इन द माइंड फील्ड विद टू स्काउट्स। When I went there, the tank wala, one of our 16 cavalry guy, he started firing on me because he was so shaken up by that shot. Maine unko bola, saab, aap ek minute rukiye, hum aapke paas aaye hain. I went there, pulled him out, pulled the three other fellows, then came to the other tank. Unko pehle hi bol gaye the, hum log aa rahe hain. And those tanks were about 50 to 100 yards apart from each other and got these guys under MMG and LMG fire and got them safely. My brigade commander and COs and all those officers who were present there, they appreciated and we safely got them. Now we knew how prepared is Pakistan there. Somehow on 15th night, knowing fully well that it is well fortified, but that is for the senior officers and everyone. So we attacked that 14-15. We attacked Shakargarh in the night. We crossed that Bay River, which was or the river bed itself was about 300 to 350 yards, cold water, and you know that JNK cold. So all our this thing, again I was leading platoon commander, we formed up on the other side of the river under fire and we attacked, and in hand to hand fighting we captured that objective. During that I was wounded up on my this thing, but I was lucky that bullet just grazed and I have a wound here, and then another one splinter was hit here. So I was wounded, but we captured that. Now, because we were there, and after that the counter attack with the Pakistanis with tanks and artillery fire they put, and the orders for withdrawal must have come. But my own, you know, the fellow who was my, you know, carry my that communication set. He had been killed while we were attacking Ganga Bahadur. So, and half the platoon was either wounded or killed, including me. Now, it was very difficult for me to find a person for that, so that was kept with me. Because I was wounded, and I now could not even put my helmet also because I had tied it up with my this thing.
shell patti which I was having my own, I had used it on my Havaldar because he had been wounded grievously in his knee. I had just tied it on my muffler and all these things and kept on bleeding. And I just don't know, the orders for withdrawal could not be followed, and all those platoon people who were with me were either injured or killed. When I came into senses the next day, I found that I am not in my own territory, because there were two guys with their bayonets on my face. They were there, and I immediately came to know that the ordeal has now begun. Means I am not in my own country. However, as I had been trained, I stayed calm. They just tied our hands and feet, and our eyes were also closed and blinded, and we were just thrown like, you know, a piece of luggage in a truck. After about an hour and a half, we were stopped. We were taken to one bunker. There, some fellow came from behind and put his hands on my neck from behind and tried to press it. And then, although I was injured, asked me some questions. I had no answers. I just said, my name is this, and this is my unit. And barring my CO's name and my own, this thing, I knew nothing. So they kept on asking what happened and this and that and all. But I hardly knew, you know, about tentacles and this and that, and I don't know what radars and all. But after some time, they just, without giving any medical aid, and we couldn't even talk to each other, they again threw us in that and took us to, by about nightfall, they took us to Rawalpindi jail. और वहाँ मैंने ये देखा और ये महसूस भी किया कि इतना मुझे थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया. एक बार उन्होंने मुझे बंद कर दिया क्योंकि एक वहाँ पर उनका जो हमारी दाढ़ी और ये बनाने के लिए रोज आता था, इतनी मेरी दाढ़ी भी नहीं थी लेकिन वो रोज़ बनाते थे बिकॉज उनको लगता था कि कहीं किसी के अंदर मिल के ये लोग पार नहीं हो जाएँ. तो वो करते करते दैट बार्बर फेलो स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, क्या काफिर हो और हम ये कर देंगे वो कर देंगे. तो मुझे पता था कि यहाँ पर ये कुछ भी कर सकता है और अभी ये चीरा भी लगा सकता है, लेकिन मैंने फिर भी उससे मुझे वो सहन नहीं हुआ और मैंने बोला नहीं, मैं तेरे से नहीं बनाऊंगा. तो वहाँ से जो उनका सिपाही चेक कर रहा था उसने फटाफट अपने ऑफिसर को बुलाया और बोला कि साहब ऐसे ऐसे वो ऐसे. वो आए, मैंने कहा साहब अगर मेरे आपने करनी है तो इसको बोलो मेरे से बात नहीं करे, अपना काम करे, नहीं तो ये मेरे देश के बारे में या मेरे धर्म के बारे में या जो भी बात है उसके बारे में कोई बात नहीं करे. फिर जब इसने शिकायत कर दी तो उस ऑफिसर को ये बात पसंद नहीं आई और मेरे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया कि तू कैसे ऐसे कर रहा है लपटैंड. और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला तो वहाँ मैंने देखा कि अनाप शनाप मच्छर, रात को उन्होंने जो पजामा और दे रखा वो भी हटाया हुआ और मेरी हालत ख़राब हो गई. तो दो दिन बाद में फिर वो दाढ़ी बनाने के लिए कोई दूसरा एक नाई आया. जब वो आया तो वो भी वहाँ पर एक कैदी था, उसने मुझे बोला इधर उधर देख के कि साहब जी असी तो उत्थे सरगोदा दे हुण और पहला साड़ियाँ जमीना थी. और वो अपने पंजाब की इस साइड की बात करें, वो यहाँ से उस साइड में चला गया था, बहुत दुखी था. आई फाउंड दैट दिस फेलो वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड यू नो कम्बाइंड इंडिया. एंड उसने जब देखा कि मेरे जगह जगह सब वो फुंसियाँ हो रही और मच्छर खाए हुए हैं, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया यार क्या करूँ कि साहब आप अगर बताएं नहीं तो मेरे पास ये डिटॉल की बॉटल है आपको दे देता हूँ. मैंने कहा अगर देख लिया तो उसने मेरा जो मग था उसके अंदर वो डिटॉल डाल दिया और फिर मैंने वो डिटॉल पूरा लगा दिया. माय होल बॉडी गॉट बर्नट. मेरा कहने का मतलब वहाँ पर भी ऐसे ही लोग थे जो एक तरफ बहुत ही कट्टरता दिखाते, दूसरी आपको हेल्प करने की कोशिश करते. तो मैंने वहाँ पर ये नोट किया कि जबकि वो आपके दुश्मन हैं जब लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जो हमारे जैसे ही इंसान हैं. और मुझे अपने जो मेरी जो अपनी खुद की जो सोच थी या जो सिखलाई थी और जो हमने डिसिप्लिन से और अपने इथोस जो सीखे थे उससे ये पता लगा कि आदमी खराब नहीं है, परिस्थितियां खराब हो सकती है. और परिस्थिति ऐसी है कि इस साइड से हमको अटैक करके इनके, एज अ चाइल्ड और एज अ यंग ऑफिसर ऑल्सो आई अंडरस्टूड दैट देर आर गुड पीपल दिस साइड ऑल्सो एंड देर आर गुड पीपल दी ऑन दी अदर साइड ऑल्सो. शिमला एग्रीमेंट होने के बाद वी वर रिपेट्रिएटेड आफ्टर अबाउट 11 मंथ्स एंड 15 डेज. वी वर रिसीव्ड ऑन दी वाघा बॉर्डर. Amritsar people and collector gave us rousing reception to all of us who came. Then Delhi ke andar bahut hi bada swagat hua. Aur fir main jab apna debriefing ke baad mein
अपने गांव गया तो मेरे गांव के आसपास के कोई 50 गांव के लोग, मेरे पिताजी और उनके जितने भी आसपास के लोग थे, वो सारे के सारे मुझे रिसीव करने के लिए आए। यहाँ मैं बताना आपको भूल गया कि जब मैं पाकिस्तान में था और ये जो लड़ाई हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने उस अटैक के अंदर घायल हो चुके थे और हमारे कुछ साथी और मेरा खुद का जो रेडियो ऑपरेटर था, इवन ही हैड डाइड, सो मेरी पलटन ने मेरा बिस्तरा गांव भेज दिया और उसमें लिख दिया कि आपके सन ने बहुत अच्छी बहादुरी दिखाई, ही इज़ मिसिंग बिलीव्ड किल्ड। जब ये मेरा बिस्तरा मेरे गांव चला गया तो एक सिस्टम है कि बिस्तर अगर किसी का चला जाता है, क्योंकि जब सोचते हैं कि भाई अब वो बंदा नहीं रहा, तो कुछ लोग हमसे, मेरे पिताजी से और माताजी से मिलने के लिए भी आ गए। बट मेरे फादर और मेरी माँ ने वो बात नहीं मानी और मेरी माँ ने यहाँ तक कहा कि मेरा अगर बेटा काम भी आ गया देश के, मैं मेरे बाकी 5 बच्चों को भी भेजूंगी। एंड माई फादर रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही इज़ नो मोर। एंड लोग आते गए मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा लास्ट राइट्स या 12 डे करने से मना कर दिया। महीने डेढ़ महीने बाद में जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो वहाँ से उन लोगों ने रेडियो से हमारा वो करके अनाउंस किया, तब मैं भी बोला कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट जीआर चौधरी राजोला कलां चौधरी मोटाराम जी का बेटा, मैं जीवित हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। कहने का मतलब उनकी फिर सांस में सांस आई एंड आई वॉज अलाइव एंड वी केम बैक। व्हेन आई वेंट टू माई विलेज, सी ऑफ ह्यूमन बींग्स, पूरे 50 गांव के लोग, बच्चे और लेडीज एंड वो सारे लोग आए, इतना बड़ा स्वागत हुआ और कईयों ने बोला कि चौधरी साहब हम भी विश करते हैं कि आपके बेटे जैसा हमारा भी बेटा हो। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त भी लोगों में अच्छाई थी, मेरे पिताजी की जो सीख थी कि आप सीखते जाइए, संयम रखिए, वो मेरे पग पग पे काम आया। आज रिटायरमेंट के बाद भी जब मैं उसके बाद जब आया तो मैं फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, मेरा शॉर्ट सर्विस कमीशन पूरा हुआ। स्टेट बैंक में भी मेरा काम यही था कि एक्स सर्विसमैन, आई वॉज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, आई ज्वाइंट एज अ बॉय इन द नेवी, आई रोज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बी द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री। एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीफ दैट काम करते जाओ, मेहनत करो और हमेशा सच्चाई, और जिसको बोलते हैं कि किसी के प्रति कोई भी जो रखना है वो सकारात्मक ही भाव रखना है और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना है, और अगर आप ईमानदारी से और समर्पण से कार्य करते रहेंगे तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट। टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।